पांच पर का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए व्हीट फ्लावर, हमने थोड़ा सा दरदरा लिया है बड़ा वाला आटा, सॉल्ट एंड घी। पांच पर का पराठा बनाने की शुरुआत करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम 1 कप व्हीट फ्लावर लेंगे। ये हमने थोड़ा दरदरा आटा लिया है, मतलब रोटी का जो आटा होता है उससे थोड़ा सा बड़ा। इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। इसमें अभी हम 1 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। इसको ड्राई मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ढल के पराठे का आटा तैयार करना है। रोटी से हल्का सा कट्ठा आटा रखना है, हम जो चपाती का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा कट्ठा रखना है। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये पड़ वाला पराठा, पड़ वाली रोटी बनाते तो उसमें घी का लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी वो टेस्ट अच्छा आता है। पड़ वाली चपाती बनाते तो उसके लिए हमें बारीक वाला आटा लेना होता है, और पड़ वाला हम पराठा बनाते तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा वाला आटा लेना होता है। आप देख सकते हैं हमारा पराठा का डो तैयार है बनके। हम इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे। हमारा ये पराठा का डो रेडी है। अब हम इसे 2-5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हमने आटे को रेस्ट दे दिया है। अब हम इसे अच्छा सा मठा लेंगे, और इसमें से हमें 5 पड़ का पराठा बनाना है। आप चाहो तो 2 पड़ का बना सकते हो, 3 पड़ का, 4 पड़ का। आज हम 5 पड़ का पराठा बनाएंगे। उसके लिए हमें छोटे छोटे 5 लोए तैयार करने हैं, बॉल्स बनाएंगे उसकी। हमें 5 पड़ के लिए ऐसे लोए तैयार करने हैं। हमने 5 पड़ के लिए 5 लोए तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको वर्क करेंगे। अपने पाटे को घी से ग्रीस करना है। पहले हम 1 लोया लेंगे, उसको छोटा सा बेलेंगे। वैसे ही हम 5 तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे 5 पड़ के पराठे के लिए 5-5 लोए को हमने वर्क करके रखा है। अब हम सबके ऊपर हल्का हल्का घी लगाएंगे। सबसे ऊपर वाले पे नहीं लगाना है, बाकी सब में लगाना है। हर एक के बीच में हम थोड़ा थोड़ा आटा स्प्रिंकल करेंगे और हाथ से फैला देंगे। अब हमें नीचे 1 रखना है, उसके ऊपर हमें 2 रखना है, उसके ऊपर हमें 3 रखना है, उसके ऊपर हमें 4 रखना है, और सबसे ऊपर हमने जो घी बिना का बेला है वो रखना है। अब इसको हमें हाथ से प्रेस कर देना है। 5 पड़ हमारे स्टिक हो जाएंगे, और हमें उस पे हल्का सा आटा डाल के वर्क करना है। हम ये पराठा बना रहे हैं इसलिए इसकी थोड़ी थिकनेस हम रखेंगे। अगर आप पड़ वाली रोटी बना रहे हैं तो उसको थोड़ा आपको पतला बेलना है। हमने ये पराठा बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे हमारे गैस पे सैलो फ्राई करेंगे। पराठे को सैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन को गैस पे रखा है, हम उस पे ये पराठा डालेंगे। हल्का सा नीचे से गुलाबी होगा हमारा पराठा, उसके बाद में हमको टर्न करना है। हमारा पराठा नीचे से सीख गया, आप देख सकते हैं। हमें पराठे को घी डाल के सैलो फ्राई करना है, ये अच्छा डालना है हमें। हल्के हल्के हाथों से हमें प्रेस करते हुए इसको सैलो फ्राई करना है।
पराठे को दोनों साइड से ही गुलाबी कलर का सेक लेना है घी डालते हुए। आप देख सकते हैं हमारा पराठा क्रिस्पी सिक गया है और ठंडा होने पे इसके देखो ऐसे अलग पॉड निकल आएंगे। आपको अगर एक एक पॉड निकाल के खाना है तो भी खा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप खा सकते हो। हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं इसको। हमें ऊपर से वापस पराठे को घी से ग्रीस करना है खाते वक्त। आप एक एक पॉड निकाल के भी खा सकते हो ऐसे पराठे को, ठंडा होगा तो सारे पॉड अपने आप निकल आएंगे। आप देख सकते हो जैसे ही हमारा 5 पड़ का पराठा, उसके साथ हमने सब्जी अचार और अमरस पिरसा है, वैसे ही हमारा ये 2 पड़ का पराठा है। आप देख सकते हैं ये देखो इजीली फोल्ड निकल जाता है, दोनों पड़ अलग अलग हो जाते हैं। आप इसे एक एक पड़ से भी खा सकते हो और दोनों पड़ को साथ में लेके भी खा सकते हो। वैसे ये भी 5 पराठे के पड़ अलग हो जाएंगे। तो सर्विंग के लिए तैयार है हमारे 5 पड़ का पराठा विद सब्जी अचार एंड अमरस। रोज का सवाल क्या बनाए, पाए उसका जवाब। डाउनलोड करो सुबह 9 ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।